28 गांव भी उनियारा में शामिल किए जाएंगे देवली से हटाकर। दूसरा, मैंने उनको कहा कि जितना भी नुकसान हुआ है किसी का, चाहे वह वाहनों का हो, चाहे मकान का हो, चाहे कोई और प्रॉपर्टी का हो, उस सब की भरपाई सरकार करे और निर्दोषों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब चूंकि गिरफ्तार हो गए तो इनकी जमानत तो अदालत से होगी। अब इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चोटें लगी हुई, फ्रैक्चर भी हैं, उनका कहना यह था कि हमको पकड़ने के बाद पुलिस ने चोटें लगाई है। अब पुलिस का पक्ष भी देखेंगे और अगर पुलिस ने कस्टडी में लेने के बाद इनकी मार पीट करके चोट कारित की है तो उसकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है और बाकी जेल प्रशासन की वो खुले मन से प्रशंसा कर रहे थे, खान पान और रहने वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था है और हम अदालत में जा रहे हैं के जो आरोपी हैं और वहाँ उनकी जमानत कराने की प्रयास करें। नरेश मेहरा से भी मुलाकात हुई आपकी? हो गई, कोई गोपनीय बात भी नहीं कर सकते, जेल का एक संहिता होती है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सर आपने समरावता भी देखा है, समरावता भी गए हैं आप, जेल में भी मिले हैं, भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो दोबारा उसके लिए किस तरह के प्रयास करेगी सरकार? देखो मेरी बात सुनो, मेरा तो स्वभाव ये है कि मैंने प्रयास किया है, जब मैंने कोई आंदोलन किया है तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, प्रयास करता हूँ कि नियंत्रण में रहे और भीड़ जब नियंत्रणहीन हो जाए तो वहाँ मैं नेतागिरी नहीं करता। देश में कानून का राज है, कानून की पालना होनी चाहिए, प्रशासन भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पिलर है, हिस्सा है, उसके साथ हाथापाई अत्यंत दुखद है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन को भी अनावश्यक रूप से बल प्रयोग करके ऐसा नहीं करना चाहिए जो 10-12 लोगों के अंदर जेल में हालात है। ये कांग्रेस जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रही है, करिए, हम जो संभागीय आयुक्त से जांच करा रहे हैं उससे संतुष्ट हो रहा है। किसने कहा कांग्रेस में? ये सचिन पायलट साहब का भी है, प्रतिन जी खचरियावास का बयान भी आया है, वो बैठे बैठे बयान दे रहे हैं, उनको जरा सड़क पर उतरना चाहिए था। मैं भी तो तिल को ताड़ बना देता था, वो ताड़ को तिल बनाने में लगे हुए। उनका कहना है कि जिस तरह से एक छोटा अधिकारी की अगर बड़ा अधिकारी जांच करेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा पहले से ही पता है हमें। उन्होंने भी उनके राज्य में भी बहुत घटनाएं हुई और जुडिशियल इंक्वायरी भी कराई, सबकी सब जुडिशियल इंक्वायरी की मैं लिस्ट दे दूंगा। गहलोत साहब ने सब दफन कर दी, कोई कार्रवाई नहीं की, फिर भी मैं गांव जा रहा हूं, गांव वाले चाहेंगे तो हमारी सरकार संवेदनशील है, सर जुडिशियल इंक्वायरी भी करा देंगे। सचिन पायलट कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, सरकार कहीं ना कहीं लीपापोती कराएगी डिविजनल कमिश्नर से। देखो ऐसा है, लीपापोती का तो सवाल नहीं उठता, पर ऐसा लग रहा है, मैं गांव में जाके पूछूंगा, वो कहेंगे भाई मांग उनकी रहेगी गांव वालों की, मैं इसीलिए विशेषकर जा रहा हूँ, आसपास के प्रमुख लोग भी आएंगे, वो कहेंगे जुडिशियल इंक्वायरी कराने की मांग करेंगे तो मुख्यमंत्री जी से उसको भी पूरा पढ़ाएंगे। आप इतने आंदोलन हुए हैं, कभी पूछ लो, पिछले राज में बड़े नुकसान हुए हैं, लाठीचार्ज हुई है, मेरे साथ ही घनी हुई है, मेरा ही वाहन तोड़ दिया गया, या तो हम हर चीज का एक एक कील की भरपाई सरकार करेगी, कभी उन्होंने नहीं की। तो विरोध में रह के बयान दे देना, बात बनाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो है अभी उनका विपक्ष का धर्म बनता है कि कम से कम बयानबाजी तो करें, सड़क पर नहीं उतर सकते। तो एक बात सामने आई थी, गिरफ्तारी हुई थी 60 लोगों की, उसमें 50 से 54 लोग ऐसे बताए गए थे जो जिले के बाहर से थे, तो किस तरीके लगता है? हाँ, ये बात सही है, जिले से बाहर के लोग काफी हैं, यहाँ भी मैं मिलके आया हूँ उनमें, और जो पुलिस ने जांच की है, 9 चौपहिया वाहनों में से 2 पुलिस के वहाँ, एक एडीएम और एक पुलिस का वाहन है,
बाकी सब 7 चुपैया उन बाहर के, और 39 में से 7 लोकल मोटरसाइकिलें, बाकी सब बाहर की। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री इस पर अभी तक कुछ नहीं बोल रहे। मैं बोल रहा हूँ तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। दूसरा क्या, आप गांव के अंदर जाके आए तो क्या लगता है कि पूरी गलती प्रशासन की थी या कुछ जो लोग वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनकी भी गलती थी क्या इसके अंदर? अब मैं किसकी गलती बताऊं, चूंकि आप कह रहे हो जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो प्रिजुडिस हो जाएगा मामला। आपने भी बात की है बंदियों से, ग्रामीणों से, क्या निकल के आया? निकल के तो यही आया है कि रात के अंधेरे में जो कार्रवाई हुई वो नहीं होनी चाहिए। दिन में तो पता लगता है, लेकिन रात में थोड़ी जल्दबाजी हुई तो वो घटना ने इतना बड़ा रूप ले लिया। वहाँ एक तालाब है, अगर ज़्यादा पुलिस अंदर घुसती तो पता नहीं कितने उसमें डूब जाते, तो कोई जान माल का बड़ा खतरा नहीं हुआ।